डंकी और सलार के क्लैश की खबर जब से आई है टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। हर ओर यही चर्चा है कि इन दोनों का क्लैश फिल्मों के साथ इंडस्ट्री का भी भारी नुकसान करवाएगा, बिजनेस दोनों बड़ी फिल्मों में बढ़ जाएगा। इस क्लैश ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया है और अब खबर आ रही है कि डंकी की टीम एनिमल के मेकर से मिली है ताकि सलार से होने वाले नुकसान को कम करवाया जा सके। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल बॉलीवुड हंगामा ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सलार का डिस्ट्रीब्यूशन अनिल थडानी की AA फिल्म्स कर रही है, वो भी सिर्फ हिंदी पट्टी में। यही रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की भी डिस्ट्रीब्यूटर है। एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज होगी और डंकी के मेकर्स को ये चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि थिएटर से AA फिल्म सांठगांठ कर ले और उनसे ये कह दे कि सिनेमाघरों को एनिमल तभी अपने यहाँ चलाने को मिलेगी जब वो डंकी पर सलार को प्राथमिकता दे, यानी डंकी की जगह सलार को चलाओ, तभी रणबीर कपूर की एनिमल भी दिखाने को मिलेगी। ऐसा कई वितरक ऑलरेडी करते रहे हैं, इसलिए डंकी के मेकर्स को ये चिंता सता रही थी और जायज भी है। डंकी को शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है, इसलिए इसके अधिकारी एनिमल के निर्माताओं के पास पहुंचे। रेड चिलीज के अधिकारियों ने एनिमल के मेकर से ये पक्का करने की गुजारिश की है कि थिएटर्स को परेशान ना किया जाए। कहने का मतलब है कि उन्हें सलार दिखाने के लिए मजबूर ना किया जाए। बॉलीवुड हंगामा के सोर्स ने यह बताया कि एनिमल के निर्माताओं को यह बात वाजिब लगी है। उन्होंने रेड चिलीज को आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। सलार और डंकी के क्लैश को बॉक्स ऑफिस के लिए खराब माना जा रहा है। ऐसा करने से दोनों ही फिल्मों का बिजनेस बढ़ जाएगा। डंकी ने पहले ही दिन तय कर लिया था, सलार ने अपनी रिलीज डेट बदली है और अब दोनों की तारीख हो गई है 22 दिसंबर। दोनों में से किसी एक को अपनी रिलीज डेट आगे पीछे करनी चाहिए। ऐसा ही कुछ गदर 2 और एनिमल को लेकर भी हुआ था। दोनों को पहले 11 अगस्त को रिलीज किया जाना था, बाद में एनिमल के मेकर्स ने रिलीज डेट को आगे बढ़ा लिया था। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला का कहना है कि पठान के बाद 1000 करोड़ का नया बेंचमार्क बन गया है। सलार में 1000 करोड़ का आंकड़ा छूने का पोटेंशियल है, वहीं डंकी 500 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है। ये दोनों फिल्में साथ आ रही हैं तो इसका असर भी कमाई पर पड़ेगा। साथ में ये दोनों फिल्में 1500 से 1800 करोड़ रुपए तक की कमाई भी कर सकती हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे सहयोगी अनुभव। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा, फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।